इसराइल फिलिस्तीन के बीच जंग को कई महीने बीत गए। गाजा में सैकड़ों हमास लड़ाकों का सफाया करने वाला इसराइल इस बात पर अड़ा रहा है कि जब तक हमास के चीफ को मार नहीं गिराया जाएगा तब तक वो चैन की सांस नहीं लेगा। इस बीच हमास के पक्ष में कंधे से कंधा मिलाए ईरान डट कर खड़ा है, लेकिन इसराइल को ईरान की मौजूदगी का जरा भी फर्क नहीं पड़ा और ईरान के तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया गया। इसे इसराइल की बड़ी सफलता कहा जा सकता है। कहा जाता रहा है कि 7 अक्टूबर को इसराइल में हमास के हमले के पीछे भी इस्माइल हानिया का दिमाग और कई महीनों तक हमास के कमांडरों के साथ बनाई गई साजिश थी। दूसरे देश में बैठकर इसराइल के खिलाफ जंग की तैयारी करने वाला इस्माइल की संपत्ति अरबों में बताई जाती है। कितनी संपत्ति का मालिक था हानिया? हमास के चीफ इस्माइल हानिया की कुल नेटवर्थ करीब 16,000 करोड़ है और दोहा में वह आलिशान जिंदगी जीता था। उसके पास यहाँ पर करोड़ों रुपए की 25 लग्जरी गाड़ियाँ थी, अपना खुद का एक 5-स्टार पेंट हाउस था। कहा जाता है कि उसका घर भी किसी 5-स्टार होटल से ज्यादा ही सुख सुविधाओं से लैस है। इसके साथ ही वह कहीं पर भी जाने के लिए प्राइवेट जेट का प्रयोग करता था। हानिया कैसे बना हमास चीफ? 2006 में फतेह के खिलाफ फिलिस्तीनी चुनावों में हमास की जीत से पहले इस्माइल हानिया आतंकवादी समूह के नेतृत्व का प्रमुख सदस्य नहीं था, लेकिन चुनाव जीत के बाद उसका सितारा बुलंद होने लगा। वो 2006 में हमास की चुनाव जीतने के बाद संगठन का नेता बना। जब हमास ने फिलिस्तीनी विधानसभा चुनावों में बहुमत सीटें जीती थी, उसे गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और उसकी संपत्ति तेजी से बढ़ी। इस्माइल हानिया का जन्म 1962 में गाजा पट्टी के अल शती शरणार्थी शिविर में हुआ था। उसको छोटी उम्र में ही हमास आंदोलन के संस्थापक शेख अहमद यासीन द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी अंततः 2004 में इसराइल ने हत्या कर दी थी। हालांकि उसने तेज तर्रार सूट पहने हुए आतंकवादी से परे अपनी छवि गढ़ने की कोशिश की थी। वहीं 2007 में हमास और फतेह के बीच झगड़ा शुरू हो गया, जिसके बाद हमास ने गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया और फतेह ने पश्चिमी तट पर नियंत्रण बनाया। हानिया के पास कहां से आया इतना पैसा? बताया जाता है कि उसने गाजा की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करने के साथ साथ मिस्र से यहां पर आने वाली आयातित वस्तुओं पर मोटा टैक्स लगाकर खूब पैसा कमाया। हमास के नेता इस्माइल हानिया की संपत्ति लगभग $4 बिलियन रखी गई, जबकि गाजा में कई लोग प्रतिदिन $1 पर संघर्ष करते हैं। वही अनुमान है कि तेहरान गाजा के शासकों को प्रतिवर्ष $100 मिलियन प्रदान करता है। हानिया ने गाजा पट्टी में कई अपार्टमेंट, विला और इमारतें खरीदी जो उसके 13 बच्चों में से कुछ के नाम पंजीकृत हैं। ऐसा कहा जाता है कि हानिया के बच्चे विदेशों में जाकर लग्जरी लाइफ जीते हैं, वहीं गाजा के लोग गरीबी और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं।